दोस्तों, जब से पुष्पा रिलीज हुई है तब से लोगों के दिलों में धूम मचा रही है। लोग इसके डायलॉग से लेकर इसके स्टंट तक की कॉपी किए जा रहे हैं। बट कॉपी करने तक तो ठीक था, लेकिन अब लोग इसको रियल लाइफ में दोहरा रहे हैं। एक्चुअली हाल ही में दिल्ली में एक अजीब सी इंसिडेंट सामने आई है, इसमें पुष्पा के चलते एक आदमी की मौत हो गई। एक्चुअली हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 3 नाबालिगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने एक आदमी को मार डाला। अजीब बात तो यह है कि जब उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने पुष्पा मूवी देखी थी और उनको भी पुष्पा मूवी के पुष्पा कैरेक्टर की तरह फेमस होना था, इसीलिए उन्होंने एक अपनी गैंग भी बनाई हुई थी जिसका नाम था बदनाम गैंग, ताकि वे लोगों को डरा सके। इसीलिए उन्होंने एक आदमी का कत्ल कर दिया और सिर्फ पुष्पा की तरह फेमस होने के लिए। मतलब मूवी से इंस्पायर होकर अच्छे काम कर लो यार, इवन टिकटॉक नहीं तो रील्स ही बना लो। लेकिन नहीं, ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। A few moments later.